कैसे हो आप लोग? अगर आप एक YouTube चैनल जस्ट शुरू किए हो या फिर शुरू करने के लिए सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं एक बहुत ही सस्ता ट्राइपॉड का अनबॉक्सिंग और उसका रिव्यू करने जा रहा हूँ। इसका प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, इसका प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए। तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। आपको मैं इसका अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा, इसका रिव्यू दिखाऊंगा, इसके बारे में अच्छी बातें और बुरी बातें भी बताऊंगा, और इसके साथ बताऊंगा कि ये प्रोडक्ट आपको लेना चाहिए या नहीं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए क्लिक कीजिए बेल आइकन पर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक अमेजोन का डब्बा आया है और इसके अंदर मेरा ट्राइपॉड है। और अगर आप इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हो तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा। तो चलिए फटाफट से इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और आपको दिखा देते हैं प्रोडक्ट कैसा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक बबल रैप के अंदर ये मेरा प्रोडक्ट आया है। तो चलिए हम इसका बबल रैप को हटा देते हैं और देख लेते हैं प्रोडक्ट कैसा है। तो सबसे पहले ये है एक मोबाइल होल्डर जो कि अलग से आता है, और उसके साथ इस डब्बे पे ये रहा काफी छोटा सा, काफी क्यूट सा एक मोबाइल ट्राइपॉड। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं इस मोबाइल होल्डर को। तो जैसे कि देख सकते हैं कि कुछ इस टाइप का एक मोबाइल होल्डर है, जो कि स्प्रिंग है वो काफी ज्यादा टाइट है, और यहाँ पर मोबाइल को होल्ड करने के लिए यहाँ पर रबर पैडिंग भी दिया गया है। ठीक ठाक है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है ये मोबाइल होल्डर, लेकिन 200 रुपये में ठीक ठाक ही मुझे मिल जाता है, क्योंकि ये जो मोबाइल होल्डर है ये अकेला ही लगभग 150 रुपये का मिलता है। तो मुझे उसके साथ एक ट्राइपॉड भी मिल गया, तो ठीक ठाक ही है। अभी देख लेते हैं ट्राइपॉड कैसा है। तो ट्राइपॉड का लेआउट कुछ इस टाइप का है, और साइज कंपेरिजन के लिए मेरे पास एक छोटा सा नाइफ है, तो देख सकते हो कि नाइफ के बराबर ही है ये, मतलब काफ़ी छोटा है ये। और मेरे पास एक मार्कर भी है, तो मार्कर के साथ भी दिखा देता हूँ कि बिल्कुल मार्कर के साइज का ही है ये, तो आप इसका साइज का अंदाज़ा ले सकते हो। तो ये रहा इसका लेग जो कि काफ़ी फ्लेक्सिबल है, और इसका जो बॉडी पार्ट है वो लगता है कि एल्यूमिनियम का है, लेकिन एल्यूमिनियम का नहीं है, ये मुझे लगता है कि प्लास्टिक का ही है। और ये आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का कुछ इसका लेआउट है, जो इसका लेग है काफ़ी बढ़िया है, और इसके साथ साथ ये लेग एक्सपैंड भी होता है, तो ये एल्यूमिनियम का है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी लंबा हो गया है, लगभग 20 सेंटीमीटर का इसका लेग है, तो दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर ऊपर में आपको एक रबर पैडिंग के साथ साथ यहाँ पर एक स्क्रू दिया गया है, इसके साथ आप इस मोबाइल माउंट को अटैच कर सकते हो। अटैच कैसे करना है मैं दिखा दूंगा बाद में। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक मेटल बॉल दिया गया है, और इसके साथ यहाँ पर एक स्क्रू दिया गया है, इस स्क्रू को आपको यहाँ से इसको लूज करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको हटा सकते हो, और अगर मैं स्क्रू को लूज कर दूँ तो ये फ्रीली मूव होगा, और आप इसको 90 डिग्री तक इसको मूव कर सकते हो, और यहाँ से आपको टाइट करना होगा जिस डायरेक्शन में आपको लेना है। उसके बाद कुछ इस टाइप का इसका लेआउट है। तो अभी मैं इसको मोबाइल जो होल्डर है उसके साथ माउंट करके दिखा देता हूँ कि कैसे ये लगता है। तो आपको यहाँ से सिंपली इसको स्क्रू को लगाना है, उसके बाद देखिए ये मोबाइल ट्राइपॉड रेडी हो जाएगा। कुछ इस टाइप का ये मोबाइल ट्राइपॉड है। और आप कुछ स्टेप से आप इसको यूज कर सकते हो, और इसके लिंक को भी आप एक्सपेंड करके इसको थोड़ा लंबा भी कर सकते हो। अभी मैं आपको एक कैमरे के साथ इसको अटैच करके दिखाता हूँ। तो मेरे पास एक छोटा सा पॉइंट एंड शूट कैमरा है, और देखिए कैमरे के नीचे भी आपको इस टाइप का स्क्रू मिल जाएगा। तो यहाँ से आप मुझे स्लॉट में इसको टाइट करना है, देखिए मेरा कैमरा टाइट हो गया है। अभी अगर मैं इसको इस टाइप से रखूँ तो ये कैमरा इस टाइप का लगेगा।
तो आपने जो ट्राइपॉड है उस पर लेआउट देख लिया होगा और उसके फीचर को भी देख लिया होगा। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि इसके बारे में कुछ अच्छी बातें कुछ बुरी बातें। तो अच्छी बातें, सबसे बड़ी अच्छी बात है कि इसका प्राइस जो कि है लगभग 200 रुपीज़ का, और इसके साथ आपको 50 रुपये का शिपिंग चार्जेस लगता है, इसलिए लगभग 250 रुपीज़ में आपको ये ट्राइपॉड मिल जाएगा। तो लगभग ठीक ठाक ही है, इसमें आप मोबाइल को भी अटैच कर सकते हो, उसके साथ पॉइंट एंड शूट कैमरा को भी अटैच कर सकते हो, तो काफ़ी बढ़िया बात है। और ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है, और इसके साथ साथ इसका जो हेड है वो भी आप इसको टर्न कर सकते हो, तो उस हिसाब से काफ़ी बढ़िया बात है। और इसके साथ आपको मोबाइल होल्डर भी मिल जाता है, तो वो भी काफ़ी बढ़िया है, लेकिन मोबाइल होल्डर जो है वो चीप क्वालिटी का है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। तो अभी मैं आपको बुरी बातें बता देता हूँ कि ये जो ट्राइपॉड है ये प्लास्टिक का बना हुआ है, और काफ़ी चीप प्लास्टिक का बना है, काफ़ी हल्का है, इतना ज़्यादा वेट इसका नहीं है, बहुत ही हल्का है। और इसमें आपको मोबाइल या फिर पॉइंटेड शूट को ही इसको अटैच करना होगा, इसमें आपको DSLR अटैच नहीं कर सकते। अगर DSLR अटैच करेंगे तो हो सकता है कि DSLR यहाँ से गिर जाए, या फिर इसका जो लेग है वो भी टूट सकता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि इसमें आपको DSLR को नहीं लगाना है, इसके साथ सिर्फ आप मोबाइल अटैच कीजिए या फिर कोई भी पॉइंटेड शूट कैमरा अटैच कीजिए। तो प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया ये ट्राईपॉड है, आप इसको खरीद सकते हो। अगर आपको ये ट्राईपॉड लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ से इसको आराम से परचेस कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चलो नीचे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ मैं एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।